मुंगेर में लेडी सिंघम एसपी लीपी सिंह ने चार्ज लेते ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा मुंगेर में आज से ऑपरेशन गुड मॉर्निंग अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सुबह के समय स्कूल कॉलेज और कोचिंग जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा पर ध्यान देना है। इस दौरान लीपी सिंह बसुदेवपुर थाना क्षेत्र में खुद आज सड़कों पर निकली और स्कूल कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों से रूबरू हुई और उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया। एसपी लीपी सिंह ने सभी थानाध्यक्षों को अपने इलाके के स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में महिला सुरक्षा पर वो ज्यादा ध्यान देंगी। कि मेरे हिसाब से जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो अपराध नियंत्रण है, तो उस पे मेरा पुरजोर रहेगा और जितने भी लंबित मामले चल रहे हैं तो मैं उसकी समीक्षा करके उसका जल्दी से निष्पादन कराने की कोशिश करूँगी, जिससे कि उसको स्पीडी ट्रायल में ले जाया जाए और सज़ा जो है वो एक सही टाइम पे हो जाए। महिलाओं के प्रति स्पेशली जो क्राइम वगैरह है तो उस पे हमारा ज्यादा फोकस भी रहेगा। इस दौरान उन्होंने थाना अध्यक्षों को समय समय पर गश्ती दल भेजकर महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा, साथ ही मंचलों पर सख्त लगाम लगाने के भी निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज अली की रिपोर्ट।